हरे कृष्णा दोस्तों। देखो ये मेरे छोटे भाई की शादी हो रही थी, शादी थी 21 अप्रैल को, तो उससे पहले एक दिन 20 तारीख को भक्तमान वगैरह होता है, तो ये उस समय का है। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है सुबह में, तो ये काफ़ी लेट हो गया था। पूजा होके फिर उसके बाद सिलमायन होता है और फिर से वापस सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो अभी देखो कथा हो रहा है सत्यनारायण भगवान की। ये हमारे पंडित जी हैं, काफी एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कथा कहते हुए, बहुत अच्छे हैं। आनंद के साथ अभी देखो सिलमायन की तैयारी हो रही है। ये मेरे मम्मी और पिताजी हैं, पीछे मेरा बड़ा भाई है और वो जो टीका वगैरह दिए हुए हैं त्रिपुंड वाला, वो मेरा छोटा भाई है, तेज प्रकाश नाम है उसका। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, ये किस वजह से होता है इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन इसको सिलमायन बोलते हैं और ये 5 बार करते हैं, मतलब इसी तरीके से। जैसे थोड़ा सा मम्मी पीसेगी, ये उड़द का दाल होता है, और थोड़ा सा पिताजी। ये देखो ये मेरी बुआ है, ये भी और ये भी, ये दोनों लोग मेरी बुआ है। अभी जो इससे पहले सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ था वो सुबह का था, अभी ये सिलमायन वाला कथा होगा। तो इसमें देखो सब लोग आए हैं। ओम 25 ज्यादा हो रहा है, काम कम दीपक महाराज। ओम चंद्रमा मंसूर बजे चला बाप तुम्हारा। अभी देखो यहाँ पे कथा हो चुका है और अब आरती ओरती की तैयारी होगी, और आओ देखते हैं दूसरी बुआ क्या कर रही हैं। ये देखो ये हमारी सबसे बड़ी बुआ हैं, अब ये खाना निकाल रही हैं, क्योंकि इसी के बाद अब खाना खिलाया जाएगा, मतलब जिसकी शादी है वो बैठ के खाना खाएगा। और इसको देखो कोहबर बोलते हैं। ओम गौर नमः स्वाहा। ओम आधार
सकते स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्री कुंडाय नमः स्वाहा, आज सकते नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, ओम इंद्रादि देवता भी नमः स्वाहा। जय गणेश सेवा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जय ये देखो, ये एक चढ़ा उतरा होता है, मतलब ये मम्मी है अपने बाल से उसको वेद जो है जिसकी शादी है उसका बाल टच करेंगे और फिर उसके बाद वेद का जिसका नंबर है, वेद के बाद तेज का नंबर है, तो वेद के बाद तेज की शादी होगी, तो इसीलिए उसको ये एक परंपरा है। ये चढ़ा और उतरा उसको बोलते हैं। ये देखो, खाना खाने के बाद मतलब जो लड़का रहता है जिसकी शादी रहती है वो आएगा, जो घर के आसपास में जो घूर होता है, घूर मतलब जहाँ सब कचड़ा वगैरह फेंकते रहते हैं, फिर वहाँ पे कुछ होता है, तो इसमें देखो घूर में मतलब जो बुआ रहती है वो कुछ छिपा देती हैं, फिर उसको ढूंढना रहता है, ये पता नहीं। हाँ तो आ जाएंगे।
के हाथ धोवा जाए। राधे श्याम सीता अरे चाहिए अरे यही बा हो सामने यहाँ बेद का हाथ बा Thank you.